नमस्कार, स्पेशल एट 11 के में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। महात्मा गांधी ने जब अपने सपने का भारत अपने दिमाग में सोचा, उस वक्त उनके जहन में हिंदुस्तान की जो तस्वीर बनी, जो छवि बनी, उसमें कई छोटे छोटे सपने थे। उन्हीं सपनों में से एक था लघु उद्योग को बढ़ावा देना। मनोहर सरकार की नई उद्योग नीति के तहत काम तेजी से ऐसे में हो रहा है, जिसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उनके विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए लघु उद्यमियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई, जिसे शायद लघु उद्यमियों के अच्छे दिन आने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में हरियाणा के सभी जिलों से लघु उद्योग से जुड़े लोगों ने शिरकत की। इस दौरान लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। ये रिपोर्ट। हरियाणा के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं लघु उद्यमियों की मौजूदगी में एमएसएमई सम्मेलन में हुई। राज्य सरकार ने एमएसएमई पॉलिसी ड्राफ्ट, टेक्सटाइल पॉलिसी, लघु उद्योगों के लिए प्रदेश में एक साथ 25 क्लस्टर स्थापित करने समेत करीब 1156 करोड़ उद्योग समूह स्थापित करने की योजना को भी हरी झंडी दिखाई। सम्मेलन में एमएसएमई से संबंधित योजनाओं और एमएसएमई पॉलिसी के ड्राफ्ट का विमोचन भी किया गया। एमएसएमई सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए गंभीर है। मिश्र ने कहा कि एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए का अटल इनोवेशन मिशन स्थापित किया गया है। निश्चित रूप से एमएसएमई को आगे बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है और नए उद्यमी खड़े हों, जो उद्यमी परेशान हैं उनको भी अनेक तरीके से प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे इन्होंने एक इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की, अब इंटरेस्ट सब्सिडी बड़ी चीज है, इंटरेस्ट सब्सिडी कहीं नहीं मिल रही है, अभी इंटरेस्ट सब्सिडी सामान्य चीज नहीं है। तो वो इसका मतलब ही है कि जो लोन लेकर बेचारा परेशान होता है, उसके लिए अगर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है तो बहुत बड़ी चीज है। सम्मेलन में प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 8,003 लघु उद्योग, 256 बड़े उद्योग और 17,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। एमएसएमई पॉलिसी के ड्राफ्ट को 10 दिन में सुझाव आमंत्रित करने के बाद पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। इस पॉलिसी में मुख्य तौर पर 75 करोड़ रुपए की 7 नई योजनाओं का प्रावधान होगा। तकरीबन 9 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो एमएसएमई के लिए है, डिपार्टमेंट ने निर्देशानुसार की है, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात तो वैरायटी ऑफ ईज क्लस्टर, 30 क्लस्टर जो उन लोगों को ईज देंगे, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वाले अपने आप को नहीं स्थापित कर सकते। हरियाणा सरकार केंद्र के माध्यम से 5 क्लस्टर केंद्र के सहयोग से और 25 क्लस्टर अपने और लोगों के सहयोग से, जिसमें 90% फंडिंग हरियाणा सरकार करेगी, 10% वहाँ के स्थानीय लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा। इस तरीके के काम हरियाणा सरकार ने क्लस्टर्स का अनाउंस किया। 58 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय 4 नए क्वालिटी मार्किंग और टेस्टिंग सेंटर, यांत्रिक विद्युत एवं प्लास्टिक उत्पाद के लिए फरीदाबाद में यांत्रिक उत्पादन के लिए, बहादुरगढ़ और हिसार में प्लाईवुड यांत्रिक उत्पाद एवं टूल एवं डाइस के लिए, जगाधरी में दिसंबर 2018 तक केंद्रों की स्थापना होगी। आईएमटी सोना में 105 एकड़ भूमि पर 425 करोड़ रुपए की लागत से चमड़ा उद्योग समूह की स्थापना की जाएगी। रोहतक में 300 एकड़ भूमि पर 742 करोड़ की लागत से फुटवेयर उद्योग की स्थापना होगी। राज्य सरकार ने करनाल, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत में 7 क्लस्टर चिन्हित कर लिए हैं। हथकरघा उद्योगों के लिए 38 करोड़ रुपए की लागत से पानीपत में 2 एकड़ भूमि पर निर्यात प्रदर्शनी केंद्र जून 2018 तक स्थापित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पानीपत में डाई उद्योगों के लिए सीईपीटी प्लांट के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इससे सेक्टर 29 में स्थापित इकाइयों को वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस लक्ष्य के साथ हरियाणा सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाया है, उससे प्रदेश में लघु उद्योग के विकास में नई और सुनहरी राह तैयार होगी।
पंचकुला से उमंग शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। तो भारत सरकार ने अति लघु लघु एवं मध्यम उद्यम विकास यानी MSMED अधिनियम 2006 अधिनियमित किया है, जिसके मुताबिक संयंत्र और मशीनरी पर निवेश 25 लाख रुपए तक संयंत्र और मशीनरी पर निवेश रुपए 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का इसमें बात कही गई है। लघु उद्यम बजरंग दास गर्ग हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। गर्ग साहब, मुझे एक बात बताइए, ये जो कल घोषणाएं हुई, इससे कितनी सकारात्मक तरीके से ये लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, इनको बढ़ावा मिलेगा अगर इनको सही से इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो? जनाब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ जी। साथ ही किसी भी राज्य में, हरियाणा की बात नहीं, देश के किसी स्टेट के अंदर उद्योग स्थापित होते हैं जी, तो उससे प्रदेश के अंदर व्यापार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, ये जरूरी है जी। मेरी विशेष बात हरियाणा सरकार से कह रही है जी, जिस प्रकार सरकार लग रही है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने विदेशों के दौरे किए हैं उद्योग लगवाने के लिए, गुड़गावा में सम्मेलन किया था भी यहाँ में उद्योग लगेंगे, मैं उसकी सराहना करता हूँ। मगर हरियाणा सरकार को सबसे पहले प्रदेश के अंदर जो ऑलरेडी उद्योग लगे हुए हैं उनको रियायतें देने की जरूरत है, सुविधा देने की जरूरत है, ताकि जो पुराने उद्योग जो हरियाणा में हैं, अगर अच्छे ढंग से वो चलेंगे तो मैं दावा के साथ कहता हूं हरियाणा के विकास के अंदर चार चांद लग जाएंगे। हरियाणा कोई छोटा इंडस्ट्री जब नहीं है जी, आप देखोगे नहीं। कल जो घोषणाएं हुई गर्ग साहब, उन घोषणाओं को आप कैसे देखते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बातें जो आपके हिसाब से मोटा मोटी हैं और जो सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा सकती है उद्यमियों को, वो क्या क्या हैं? मैं सबसे बड़ी जो सरकार जो घोषणा कर रही है वो अच्छी है, मतलब घोषणा के साथ साथ उसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। आप देखिए हरियाणा में बिजली नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल नहीं। नहीं गर्ग साहब, आप सवाल मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कल जो ये आयोजन हुआ, सम्मेलन बुलाया गया, इसमें जो घोषणाएं हुई, जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की गई, तो क्या ये जरूरत इस वक्त हरियाणा में जो उद्योग में लगे हैं लोग, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी इस वक्त वो जरूरत है क्या, उनको इस बात की जरूरत है कि उनको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाए? बहुत जरूरत है। आज के टाइम व्यापार जो उद्योग है प्रदेश के सबसे मंदी की मार झेल रहे हैं, और मैं आपको हकीकत बताता हूँ, इंडस्ट्री थी हरियाणा में लगभग इंडस्ट्री आज के टाइम नुकसान में चल रही है, और हरियाणा कृषि उपज प्रदेश है, जितनी भी कृषि संबंधित मिले हैं, जैसे आप राइस मिल है, कपास मिल है, आलू मिल है, दाल मिल है, सब मिले जो है आज के टाइम नुकसान में, कोई प्रोफिट नहीं है जी। हमारी तो बिल्कुल मांग ये है हाँ। तो जिस प्रकार सरकार ने किसानों को जी लोन माफ किए हाँ। जिनके पुराने खाते NPA हो चुके हैं हाँ। तो सरकार ने कभी जिस खाते NPA हो रहे हैं उनके ब्याज को माफी कर रही है, सेटलमेंट कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को जहाँ एडजस्टमेंट करने की आज के टाइम जरूरत है, नए उद्योगों को जो लगाने की बात, ठीक है, ठीक है गर्ग साहब, आपके पास लौटूंगा।
डीआर अग्रवाल साहब मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अग्रवाल साहब एक बात बताइए, कल जो घोषणाएं हुई उन घोषणाओं में अगर सकारात्मक चीजें हम देखें, जो सपने दिखाती हैं, जो ख्वाब दिखाती हैं, जो उम्मीद जगाती हैं कि आने वाले दिन में ये लघु उद्योग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा वक्त आ सकता है, वो कौन कौन सी घोषणाएं रही आपके हिसाब से? जी ये घोषणाएं जो हुई हैं, अगर ये क्रियान्वयन इनका बिल्कुल सही रूप में हो जाए, ये इंटरेस्ट सब्सिडी एक इशू नहीं है। क्वेश्चन बहुत है, एक इस वक्त जो बेरोजगारी की स्थिति है, अगर युवा को रोजगार नहीं मिला ना, ये कहने की बातें हैं कि हम ये चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, उससे 10 और जेनरेट होंगे, निवेश बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कंस्ट्रक्टिव काम में लगेंगे, बजाय इसके कि खाली दिमाग शैतान का घर हो जी। उससे होगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में जरा सा मॉडरेट इन्फ्लेशन आएगा और रोजगार बढ़ेगा, और ये एक संचयी आवृत्तिक स्थिति होगी, जो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट होगा वो हरियाणा को आर्थिक दृष्टि से निश्चित रूप से मदद करेगा, और युवा शक्ति को एक काम करने का अवसर अगर मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि उनको सही रचनात्मक दिशा में जाने ठीक का। अग्रवाल साहब, हम जब इसका जिक्र कर रहे हैं तो कुछ चीजें बहुत स्पेसिफिक बात करने की जरूरत है। इस वक्त लघु उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपके हिसाब से हरियाणा में क्या है? निवेश, लघु उद्योग के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो बहुत बड़ा, देखिए कोई भी जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे लघु उद्योग से, आपके बड़े उद्योगों की अगर प्रतियोगिता करेंगे, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपने उधर इनवाइट कर रखा है, वो लोग भी माल बना रहे हैं, उनकी भी कॉस्ट कटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता रोकी जाए, और आपको एक बात मैं निश्चित रूप से यहाँ बता दूं, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो लघु उद्योग की है वो और कहीं की नहीं है, ठीक है, तो इसलिए लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना निश्चित रूप से हमारे लिए आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक दृष्टि से भी, तीनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन इतना तो तय है कि इस सम्मेलन के बाद एक उम्मीद, एक आस सी है लोगों में सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा, क्योंकि आप याद रखिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ये जो लघु उद्योग रहे हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और यहाँ एम्प्लॉयमेंट, खासकर वो इलाके जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया का रीच नहीं है, वहां तक के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, अति लघु उद्योग हैं, इनकी बहुत बड़ी महत्ता रही है। ऐसे में इस पर अगर सरकार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है तो बहुत सुखद भी है, बहुत अच्छा भी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। विपुल जी, ये जो कल सम्मेलन हुआ, मकसद क्या था और क्या करने की सोच है, क्या करने की मंशा है, कैसे बढ़ावा देंगे इन उद्योगों को? एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन किया गया, उनकी जो समस्या है, उन लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, छोटे व्यापारी होने के नाते जो लोग वो खुद नहीं कर सकते, कॉमन जो फैसिलिटीज देने का काम हमारी सरकार उनके लिए करने जा रही है, इसके लिए उनको बुलाया गया था। जो हमने कुछ अनाउंसमेंट्स भी वहां पर किए हैं, उसके अलावा उनकी जो सजेशंस थे कि उन्हें कुछ और चाहिए, इसके अलावा कुछ और बात है, तो उनसे वन टू वन इंट्रैक्शन किया था, अलग अलग सेशन में इंट्रैक्शन किया था, जिससे कि ये स्मॉल स्केल और मीडियम इंडस्ट्रीज बढ़ सके और हरियाणा के अंदर जो रोजगार की समस्या। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, इनके लिए क्या देखते हैं आप? जो लघु उद्योग जो चुनौती है, मैंने कहा ना, इनको डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये रोजगार सर्जन का एक बहुत अच्छा साधन है, तो इनको ईज करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए पहली बार ये एमएसएमई सम्मेलन किया गया, और इन लोगों के लिए 1150 करोड़ रुपए की कल हमने जो योजनाएं हैं उनका हम अनाउंसमेंट किया, जो कि टाइम बाउंड मैनर में। सर ये बहुत सकारात्मक है, मैं इसको पर्सनली कहूंगा, ये बहुत सकारात्मक कोशिश की गई, लेकिन ये इम्प्लीमेंट उसी तरह से हो जाए जैसे आपकी मंशा है, इसको सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी।
बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए रेगुलर फॉलो अप फ्लो चार्ट पूरा बनाकर तब हमने अनाउंसमेंट किया है कि इतने दिन के अंदर सब सब चीजें बन जाएंगी और जल्दी आप देखेंगे इस पर कार्य बड़ी तेजी से शुरू हो। ठीक है सर, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उनके सपनों का भारत जो था उस वो बहुत सारे सपनों से बना था। उन सपनों में, उन ख्वाबों में एक ख्वाब, एक सपना ये था कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। और दूसरी तरफ आज के डेट में जो एक बहुत बड़ी जरूरत है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरत है, विदेशी निवेश की जरूरत है। तो इन दोनों के बीच का सेतु कैसे बनेगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो करेंगे उनके मैन्युफैक्चरिंग रेट्स बहुत कम होंगे, तो कैसे बैलेंस होगा वो? एमएसएमई जो है इसकी पूरक है, जितने भी हम भारत से विदेशी निवेश लेकर आ रहे हैं या और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मदर यूनिट्स ला रहे हैं, एमएसएमई उसकी पूरक है, उसी को सप्लाई करने का काम करेंगे। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में कल कलराज मिश्र जी थे, उन्होंने कहा था कि हम सरकार के अंदर ऐसी पॉलिसी जल्दी एमएसएमई पॉलिसी बना रहे हैं कि जितने भी सरकारी मंत्रालय हैं, सरकारी और जगह हैं, उन लोगों को एमएसएमई से खरीद करनी पड़ेगी और 15% का उन लोगों को मैचिंग ग्रांट के अंदर फायदा देना पड़ेगा। चलिए, ये अगर पॉलिसी बनती है तो बहुत अच्छी बात होगी। इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की आप लोगों ने, वो क्या है और उससे उसकी जरूरत क्यों है इस वक्त? इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की, हमने ऐसा प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा है कि कुछ वहां से कुछ अपने स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कि जो एमएसएमई को लोन है वो महंगी किस्तों पे ना मिलकर अगर उसको लोन लेने की प्रक्रिया को सस्ते दामों पे कर देंगे, इंटरेस्ट की जो सब्सिडी उसमें अगर कुछ मिल जाएगी सरकार, भारत सरकार और हरियाणा सरकार से मिलकर, तो हमें लगता है कि वो और ज्यादा तरक्की कर पाएंगे और कॉम्पिटेटिव हो पाएंगे। सर मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में अक्सर ये हमने बातें सुनी है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से कि उद्योग, रोजगार, ये तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाए, ऐसे में क्या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना इस वक्त प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना हमारी बहुत प्रायोरिटी है, क्योंकि इसी की वजह से हरियाणा का समग्र विकास हो सकेगा, जो बेरोजगारी की समस्या है उससे हम निजात पा सकेंगे। हमारा हरियाणा और हिंदुस्तान 65% 35 साल की एवरेज एज के लोगों से परिपूर्ण है, तो सिर्फ यही साधन है कि उनको रोजगार पर लगाएगा। ठीक है, तो ये कौशल विकास भी आपकी सरकार की एक योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, तो क्या उससे किसी तरह से इसको जोड़ा जा सकता है, इसको किसी तरह का ब्रिज बनाया जा सकता है सर? ये दूसरी से जोड़कर इसको काम किया जा रहा है, कौशल विकास को भी इससे जोड़ा जा रहा है, पर्यावरण को भी इससे जोड़ा जा रहा है कि हमें इंडस्ट्री तो डेवलप करनी है, साथ साथ स्किल मैन पावर भी डेवलप करनी है। आज कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए जब एमओयू करता है या स्टार्टिंग करता है तो हमारा मंत्रालय उन्हें उसको स्किल लेबर देने के लिए भी तत्पर रहता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, जब तक इंडस्ट्री लगेगी हम अपनी स्किल लेबर आपको तैयार करके वाकई में दे देंगे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट हो सके। ठीक है विपुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आम युवा जो इस वक्त जो हमारा दर्शक है देख रहा है, अगर उसके मन में ये सब सुनने के बाद एक प्रश्न उठ रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, वो कहां जाए, किससे बात करे कि उसके बस में क्या है, वो क्या कर सकता है, कहां से उसको वो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी? वो आए हमारी एमएसएमई की नई पॉलिसी अभी हम कर रहे हैं, उसका अलग पोर्टल बनाएंगे, अदरवाइज अभी इंडस्ट्रियल पोर्टल पर जाए, मुझसे मिले, हमारे अधिकारियों से मिले, हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीआईसी सेंटर से वहां पर हमने सुविधा केंद्र बहुत बड़ी जो इंटरनेशनल एजेंसीज को बिठाकर लोगों को यूज देने के, लोगों को स्कीम्स बताने के लिए जो स्टेट की है, सेंटर की है, वहां पर 10 डिस्ट्रिक्ट में हमने सुविधा केंद्र खोल दिए हैं, जल्दी ही ना 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला जा रहा है, कल की अनाउंसमेंट भी थी, वहां जाए पता करें, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल गोल से संपर्क कर। चलिए विपुल जी बहुत साधुवाद आपको, लेकिन उम्मीद बस इतना ही कर रहा है हरियाणा का युवा आपसे कि जो अनाउंसमेंट हुई है वो जमीन पर उतर जाए, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो महात्मा गांधी के सपनों के भारत की तरफ एक कदम और हरियाणा की सरकार बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती ये कि इन उद्योगों ने जो अब तक चुनौतियां फेस की है उन चुनौतियों से निपटने के लिए होमवर्क भी करना होगा और उनको इंप्लीमेंट भी करना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Da 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 da